हेलो फ्रेंड्स, मु प्रियंका आपण मानक माय टिप्स ओडिया यूट्यूब चैनल रे स्वागत करुचे। फ्रेंड्स, कार्तिक मास परम पावन मास, धर्म मास, पुण्य मास, मोक्षर मास नामरे परिचित। एही कार्तिक मास रे कार्तिक स्नान हेउची प्रसिद्ध। हिंदू पंचांग अनुजाई कार्तिक मासर स्वतंत्रता रहिछि। एही मास रे स्नान, दान, यज्ञ, जप, तप, व्रतर मध्य अधिक महत्व रहिछि। आध्यात्मिक दृष्टिकोण रु गति मुक्ति मुख्य फल दै एही परम पावन मास कार्तिक मास। सूर्य जेतेबेले कृतिका नक्षत्र को जानती सेतेबेले एही कार्तिक मासर शुभारंभ हुए। कार्तिक मासरे स्नान, दान, दीपदान, तुलसी विवाह, कार्तिक व्रत कथा श्रवण एवं राई दामोदरंक पूजा सहित सर्व देवा देवींकर पूजा उपासना करा जाए निष्ठार सहित। पापर नाश होइथाय एहिपरि कले एवं अशेष पुण्य फल प्राप्ति हुए। समस्त विधि विधानर सहित हृदय को स्वच्छ करी मन को निर्मल करी जदि कार्तिक व्रत पालन करा जाए एवं कार्तिक मासरे कार्तिक स्नान करी निजे परमेश्वर भगवान को आराधना करती तो मनुष्य को गति मुक्ति मुख्य प्राप्ति होइथाय बोली विश्वास करा जाए। एही कार्तिक व्रत एवं कार्तिक स्नान संपर्क रे महर्षि मध्य राजा जनक मध्य जी माता सीतांकर पिता थिले तांको कार्तिक व्रत कथा सुनाइथिले। समस्त तीर्थ दर्शनर फल एही गोटी मासरे मिली थाए। स्कंद पुराण, नारद पुराण ठारु आरंभ करी पद्म पुराण पर्यंत समस्त पुराण मानकरे एही कार्तिक मासर श्रेष्ठता एवं स्वतंत्रता संपर्करे वर्णना करा जाइछि। कार्तिक स्नान सहस्र बार गंगा स्नान एवं शहे बार माघ स्नान सहित समान बोली शास्त्र मानकरे कुहा जाइछि बा एहा विषयरे वर्णना करा जाइछि एवं कुहा जाय मध्य। कुंभ मेला एवं प्रयाग स्नानर पुण्य फल मध्य कार्तिक मास सारा कार्तिक स्नानर मिले थाए। परम पावनी गंगा स्नान, प्रयाग स्नान एवं काशी वाराणसी स्नानर पुण्य फल मध्य कार्तिक स्नानर प्राप्त होइथाए। एही कार्तिक मासरे स्नान परे राधा दामोदर एवं विभिन्न देवादेवी को पूजा उपासना करी गोटे थर भोजन करी महाप्रसाद अबा निजे हबिष अन्न को प्रस्तुत करी भक्षण करिबा उचित। पवित्र नदी सागर, महोदधी किंवा निकटस्थ कौनसी पुष्करिणीर जलाशय स्नान कले किंवा निजर घरे मध्य स्नान करिबार विधान रहिछि। स्वयं शिव शंभु शंकर शक्ति स्वरूपिणी माँ पार्वती सूर्यदेव मंदिर रे स्नान परे भक्त मैंने सबु जाए दीप लगाई। कार्तिक मासरे कार्तिक स्नान परे महाप्रभु श्री जगन्नाथ, श्रीमद नारायण विष्णु, लक्ष्मी नारायण एवं सर्व देवादेवी मंदिर रे दर्शन कला परे मंदिर परिक्रमा करी मंगल आरती दर्शन करी तांको उद्देश्य रे दीप लगेबार विधि विधान सब रहिछि एवं कुहा जाए एही कार्तिक स्नान अश्वमेध यज्ञ सहित समान फल देइथाय। पुष्कर, कुरुक्षेत्र, वाराणसी तिथि स्नान मानकरे मध्य स्नान एवं दानर विधान रहिछि। कार्तिक मासरे कार्तिक स्नान करिबार केतेक विधान रहिछि। रात्र दुई घड़ी थाउ थाउ सूर्य उदय पूर्वरु स्नान करा जाए जहाँ प्रातः स्नान बा प्रभात स्नान बा कार्तिक स्नान नामरे नामित एवं स्नान करी मंगल आरती प्रभुंकर दर्शन करा जाए अथवा निकटस्थ कौनसी भी देवादेवींकर मंदिर को जाए मंगल आरतीर दर्शन करा जाए एवं मंदिर रे पुष्प माल्य दीप भोग अर्पण करा जाए प्रभुंक उद्देश्य रे। तुलसी चौरारे तुलसी पूजन सहित श्री राधाकृष्ण को राई दामोदर बा राधा दामोदर रूप रे पूजा करा जाए। अंला तुलसी मालती फूल देई तांको पूजा करा जाए। तुलसी पूजन विधि विधान सहित एवं मुरुज दे पूजा करा जाए। मंदिर मानकरे देवादेवी दर्शन करिबा सहित मंदिर परिक्रमा करा जाए एवं दीप लगा जाए। संध्या सकाळ रे भजन संकीर्तन करा जाए। श्लोक स्रोत उच्चारण करा जाए।
कार्तिक मासरे सूर्य एवं चंद्रमांकर अनुकूल प्रभाव पड़ी थाए तेणु मनुष्य शरीर मध्यरे सकारात्मक ऊर्जा व सकारात्मक शक्ति प्रवेश करी थाए तेणु एही समय रे देव आराधना पई प्रकृत समय सेति पई स्नान परे यथा संभव क्षमता अनुजाई दान देवर मध्य विधान रहिछि एवं कार्तिक पूर्णिमा दिन चंद्र कृतिका नक्षत्र रे एवं सूर्य विशाखा नक्षत्र रे प्रवेश करंती तेणु पद्मजोग पड़ी थाए तेणु कार्तिक मास सारर श्रेष्ठ दिनटी हेउछि कार्तिक पूर्णिमा बा रास पूर्णिमा एही कार्तिक मास रे मध्य विष्णु सहस्रनाम जप करा जाए ओम नमः नारायण ओम नमः वासुदेवाय एही मंत्र जप करिले शुभ फल प्राप्त होई थाए कार्तिक कृष्ण पतिपतारु कार्तिक पूर्णिमा पर्यंत मास सारा कार्तिक स्नान करा जाए कार्तिक मासरे स्वयं नारायण विष्णु सृष्टि कल्याण निमन्ते मत्स्य अवतार करिथिबारु विश्वास करा जाए एवं हिंदू शास्त्रीय मान्यता अनुजाई एही मासरे जलाशय मानकरे जलर प्रत्येक बिंदु रे श्री विष्णु भगवान दिव्य सत्ता अनुभूत हुए तेणु स्नान करिवार विधान रहिछि स्नान परे श्री विष्णुंकर एवं अन्य देवी देवतांकर सत्यनारायणंकर षडकृतिका जिए कार्तिकेयंकर माता रूपे परिचित शिवा सम्भूति संतोति प्रीति क्षमा एवं अनुसया एहि षडकृतिकांकु मध्य पूजा करिवार विधान रहिछि कार्तिकेयंकु मध्य पूजा करिबा उचित भगवान कार्तिकेयंक नाम अनुसारे एहि कार्तिक स्नान एवं कार्तिक मासटी नामित भगवान शिव शंकर माता पार्वती पुत्र कार्तिक जिए देव सेनापति दुष्ट तारकासुर को बद्ध करी एही सृष्टिर कल्याण करिथिले देवतांकर कल्याण करिथिले तांक उद्देश्य रे एही कार्तिक मासर कार्तिक स्नान एवं कार्तिक पूजा विधि एवं कार्तिक व्रत स्नान परे दीप लगेबार विधान रहिछि एवं कार्तिक मासर एही कार्तिक सार किछि मंत्र रहिछि तथापि जे यथा संभव निजर उच्चारण अनुजाई एही मंत्र को पाठ करि कार्तिक स्नान को समापन करे ताकु फल प्राप्ति हुए कार्तिक स्नान रो प्रथम विधान हेउछि रात्र दुई घड़ी थाउ थाउ अर्थात सूर्योदय पूर्वरु शर्या त्याग करि प्रथमे हात दर्शन करि एहाकु बोलिबो कराग्रे बसति लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती कर मूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम एही मंत्र को उच्चारण करी प्रथमे परमेश्वरंक उद्देश्य रे प्रणाम करिबा उचित तापरे निकटस्थ जलाशय व निजर घरे मध्य कार्तिक स्नान विधि को समाप्त करिबा उचित सेतेबेले एहाकु पाठ करिबे ओम दिशा कलाउ संकर्थ गंगा बालुका भी सप्तर्ष मंडल प्रजटंक कोदा भरणे एही स्नान संकल्प मंत्र को पाठ करि स्नान करा जाए स्नान करुथिबा समय रे ओम निर्विघ्नम कुरुमे देव दामोदर नमस्तुते स्नान संकल्प मंत्र पाठ करी दामोदरंक उद्देश्य रे नमस्कार करी स्नान करा जाए एवं सर्वतीथि को आवाहन करा जाए सप्त तीर्थंकु आवाहन करा जाए ओम गंगौच जमुनैच गोदावरी सरस्वती नर्मदो सिंधु कावेरी जलेस्विन सनि धीमि कुरु हे सप्तमाता सप्त नदी सर्वे तीर्थर जलकु धरी तुमे प्रवेश कर एवं तुमरी एही सर्व तीर्थर जलरे मु स्नान करुछि प्रभुंक उद्देश्य रे एही परि कार्तिक स्नान करिवार विधान रहिछि भल भावरे कार्तिक स्नान सारी सूर्यदेवंकु जल अर्घ्य प्रदान करा जाए ओम उदयी ब्रह्मणे रूपम मध्यान्नतु महेश्वरम अस्तमाने स्वयं विष्णु त्रिमुच्चह दिवाकर सूर्यंकर तीनोटी कालरे तीनोटी रूप ब्रह्मा विष्णु महेश्वर रूप को मन मध्ये चिंता करी एवं एही मंत्र को पाठ करी सूर्यंकु जल अर्घ्य प्रदान करंतु सूर्यंकु जल अर्घ्य प्रदान कला परे कार्तिक स्नान विधि संपूर्ण होइथाय तापरे निकटस्थ मंदिर को जाई प्रभुंक उद्देश्य रे मंगल आरती दर्शन करिबा परे दीप लगा जाए एवं पुष्पांजलि भोग समर्पण करा जाए श्री विष्णु भगवान मंदिर समेत शिव शंकर जगन्नाथ मंदिर को जातु आपण शिवलिंग को दर्शन करी अभिषेक करिवार मध्य विधान रहिछि ताहाकु करि पारिबे एहा परे तुलसी चौरा मणे तुलसी पूजा सहित राई दामोदर पूजा करा जाए दिन रे गोटे थर भोजन करा जाए सबु देवादेवी मंत्र को उच्चारण करी दिन अतिवाहित करने को हुए
ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦୀପ ଲଗାଯାଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ। ଦିନସାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ମନ ରଖି ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଦିନ ଅତିବାହିତ କଲେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସବୁ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ସେହି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀନାରାୟଣ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ୱୟଂ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ ଶଙ୍କର ମା ପାର୍ବତୀ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଏବଂ କାର୍ତ୍ତିକେୟ ସବୁ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ବ୍ରତରେ ଲିପ୍ତ ରହି ପୂଜା ଉପାସନା କଲେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ସମସ୍ତ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥିରେ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ଶୁଭମୟ ହେଉ।